यहाँ पे गोपाल अग्रवाल जी का सवाल है, ये RSWM के बारे में समझना चाहते हैं और एक पैनासोनिक का भी नाम लिया। पहले RSWM की बात कर लेते हैं, पूछ रहे हैं क्या इसमें खरीदारी की जा सकती है। कोशिश तो ये भी कर रहा है कि कंसोलिडेशन से बाहर निकले, तो इसमें आप अपना रिस्क डिफाइन करके खरीदारी कीजिए। 10% का रिस्क है, 200 पे क्लोज है, 180 पे रिस्क है। 10% इज डिसेंट रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। और अगर 180 पे रहा, देखिए ऐसा नहीं है कि ये तुरंत इस कंसोलिडेशन से बाहर निकल जाएगा, इस चीज का ध्यान रखें। इन सब स्ट्रक्चर में पॉसिबिलिटी ये भी रहती है कि दो दो तीन तीन महीना, मतलब एक एक क्वार्टर का कंसोलिडेशन चलता रहे। आपके पास इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर 180 नहीं टूटता है तो पेशेंस बना के रखें, दो तीन क्वार्टर में कभी रन आ सकता है। 180 गया तो स्टॉक को छोड़ देना चाहिए। जी अच्छा, कटोरी यहाँ भी बनती है क्या? काफी बड़ी बनती है ये तो। बन सकती है, बहुत समय से तो कंसोलिडेट कर रहा है, तो बस कटोरी का बनना बिगड़ना सब कुछ इसके कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। जी अगर हिस्टोरिकली इसको कंपेयर करने जाएंगे ना, तो वैल्यूएशन बहुत फेवरेबल नहीं लगेगा। इस सेक्टर में तो फेवर नहीं करता है, इसलिए कटोरी बनने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स चाहिए इसको आने वाले। जी नंबर्स अगर सही होंगे तब जा करके 2024 में किसी समय ये कटोरी पूरी हो पाएगी, अगर होती है तो। चलिए,